नमन सुनैना की सच्चाई जानने के बाद भी उसे रखने के लिए हुआ तैयार अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात की जानकारी न लगने का किया। बाबू साहेब और कुमुद से वादा। जी हाँ साथियों, आईना टीवी सीरियल के अपकमिंग ट्विस्ट में हम लोग एक धमाकेदार सीन को देखने वाले हैं, जहां पकंजा तहखाने के अंदर सुनैना और कुमुद की सच्चाई की चुपके से अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर ली। उस रिकॉर्डिंग को उसने नमन को दिखा दिया होता है, जिसके बाद नमन उस सच्चाई को जान हैरानी में पड़ जाने वाला है, क्योंकि अभी उसकी शादी के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और अब ये सब कुछ उसके साथ हो गया। पंकजा के दिखाए सबूत को देखने के बाद नमन सुनैना को अभी भी रखने के लिए राजी होता है, वो भी अपनी पत्नी बनाकर। नमन सुनैना के सभी परिवार के सामने यह वादा करता है कि सुनैना का यह रहस्य मेरे अलावा कोई नहीं जान पाएगा, यहां तक कि मेरी मां भी नहीं। दोस्तों, नमन के इतने बड़े वादे को सुन बाबू साहेब भी राजी हो जाने वाले हैं। सुनैना अब अपने उस तहखाने में नहीं बल्कि नमन के घर अपने ससुराल में ही रहेंगी। ससुराल से अब नमन सुनैना को लेकर चल जाने वाला है। राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आने वाला है, ये हो क्या रहा है। पहले नमन सुनैना के घर जाता है, फिर सुनैना वापस अपने घर आ जाती हैं। राजकुमारी जानना चाहती हैं क्या खिचड़ी पक रही होती है। अपनी मां को किसी भी तरह नमन मना लेने वाला है। राजकुमारी भी शादी के बाद होने वाले रीति रिवाज में बिजी हो जाती हैं। आगे का रस्म किया जाता है जिस तरह एक नई नवेली बहू का किया जाता है। दोस्तों, अपने बेटे नमन से एक बेटे की इच्छा पहले ही राजकुमारी रख देने वाली है। वो चाहती है उसके सपने का बीज, उसका बेटा जल्द ही बो दे। सुनैना का मासिक महीना कब आता है, उस दिन ही उसके मांग की पूर्ति के लिए अपना काम नमन कर देगा, ऐसा राज कुमारी चाहती है। लेकिन दोस्तों, नमन आगे क्या करने वाला है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।